गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज दो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की बहुपद होता क्या है, बहुपद यानी बहुपद होता क्या। इससे पहले हम चर व अचर के बारे में पढ़ेंगे कि चर व अचर क्या होते हैं। बीज ही व्यंजक क्या होते हैं और एक चर वाले बहुपद और बहुपद यानी बीज चर अचर और बीज ही व्यंजक, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद। सीधा बहुपद ही बताते हैं ठीक है ना कि बहुपद होता क्या। तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे चर, यानी हमने आज भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि चर किसे कहते हैं, यानी ये संख्या जो आसानी से चली जा सकती है चर संख्या कहलाती है, और ये संख्या जो आसानी से चली नहीं जा सकती वो अचर संख्या कहते हैं। वो बेटा छोटी क्लास की बात थी, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी अब हम नहीं बोल सकते कि चली नहीं जा सकती चली जा सकती है, ये कोई सही परिभाषा नहीं है। तो देखो चर यानी चर संख्याएं कौन सी होती है, यानी वे संख्याएं जिनका मान हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं, यानी हमारी खुद की मर्जी से बदल सकते हैं, यानी वे मान जिन्हें हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं चर कहलाते हैं, यानी वे मान जिन्हें हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। मर्जी का मतलब बेटा हम अक्ष वाई ए जेड कुछ भी मान सकते हैं ना, जैसे ए से लेकर जेड तक इनमें हम किसी को भी मान सकते हैं। देखो माना पुट करते हैं ना, हम कहीं भी अक्ष भी मान लेते हैं, पी भी मान लेते हैं, क्यू भी मान लेते हैं, आर भी, हमारी मर्जी है खुद की, हम कुछ भी मान सकते हैं। यानी ये मान जिन्हें हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं, अक्ष की जगह वाई भी कर सकते हैं, वाई की जगह जेड भी कर सकते हैं, यानी वे मान जिन्हें हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं वो चर कहलाते हैं, और वे मान जिनको हम अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते वो अचर कहलाते हैं। जैसे बेटा एक पांच छह सात नौ कोई भी संख्या हो, जैसे एक दो तीन चार पांच, जैसे छह आ गया, क्या हम छह को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, छह तो छह ही रहेगा। नो आ गया हमारे पास, क्या हम नो को बदल सकते हैं, ये थोड़ा नो को हम नाइन लिख देंगे इंग्लिश के अंदर, नहीं ना, तो नो तो नो ही रहेगा। यानी अचर ये पद जिन यानी ये संख्या या वे पद जिनको हम अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते वो अचर कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक होंगे चर गुणा बीजीय पद, यानी चर गुणा बीजीय पद या अचर गुणा बीजीय पद कोई भी हो, अक्ष वाई चर यानी एक अचर और एक चर दोनों का गुणा हो जाएगा, चर या अचर किसी का भी गुणा हो जाएगा वो हमारा क्या हुआ बीजीय व्यंजक। क्या कह दिया, यानी चर गुणा अचर भी बोल सकते हो आप इसे, यानी चर का और अक्षर का गुणा होगा क्या बन जाएगा बीजीय पद। जैसे चर चर तो हमारा क्या था अक्ष गुणा अक्षर हमारा था दो, यानी कितना हो गया दो अक्ष, और ये दो अक्ष क्या हो गए बीजीय व्यंजक, यानी चर और अक्षर का गुणफल ही क्या कहलाता है बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब आ गया बहुपद की बहुपद क्या होता है, बहुपद यानी यदि बीजीय व्यंजक में अक्ष की सभी घात ऋणात्मक नहीं हो, यानी बीजीय व्यंजक के अंदर, और बीजीय व्यंजक हमने अभी क्या निकाला था टू अक्ष, इसकी घात है ना
ऋणात्मक नहीं हो बल्कि क्या हो, धनात्मक हो, तो वो क्या कहते हैं, बहुपद कहलाते हैं। यानी इनमें कभी भी व्यंजक की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है, तो वो कौन से पद कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बहुपद। कौन से पद होंगे, वो बहुपद होंगे। यानी बहुपद क्या बोल सकते हैं, वे बीजी व्यंजक जिनकी घात धनात्मक हो वो बहुपद कहलाता है। इसके बाद बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार का होता है। यानी बहुपद बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो पदों के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। एक तो क्या होता है, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। यानी बहुपद कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पदों के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, पदों के आधार पर। अब पदों के आधार पर पढ़ेंगे तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी यानी वे बहुपद जिनमें एक ही पद होता है, जैसे देखो टू अक्षर, टू अक्ष स्क्वायर है, यानी इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही पद होगा, वो क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। अब द्विपदी यानी इसमें एक एक पद तो है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, पांच पाई स्क्वायर होता तो ये भी एक पद है पूरा। इनमें दो पद होंगे, जैसे दो एक्स प्लस का तीन वाई, यानी वे बहुपद जिनमें दो पद होंगे वो द्विपदी कहलाते हैं, और त्रिपदी यानी जिनमें तीन पद होंगे, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस चार, इसमें कितने पद हो गए, तीन पद हो गए ना। यानी वे बहुपद जिनमें तीन पद होंगे त्रिपदी कहलाते हैं। अब आगे घात के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार का होता है। एक तो देखो, जब एक घात हो, और एक घात को एक घात नहीं लिख सकते, उसे लिखेंगे हम क्या, रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद। याद रखना, वे बहुपद जिनकी घात क्या हो, एक हो, वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं, और जिनकी घात दो हो वो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, और जो जिनकी घात तीन हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। यानी जैसे आ गया टू एक्स की पावर एक, देखो इसकी घात कितनी है बेटा, इसकी घात है एक ही तो है ना, यानी इसकी घात क्या है, एक है, या एक हो कोई भी हो, जैसे चार एक्स प्लस पांच वाई, देखो इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, एक ही तो है ना, तो ये नीचे तो हो गए रैखिक बहुपद। अब द्विघाती जैसे आ गया चार एक्स स्क्वायर प्लस पांच वाई स्क्वायर, तो इनमें घात कितनी है, दो है ना, तो ये द्विघाती हो गए, और त्रिघाती में जैसे घात कितनी होती, तीन होती, यानी एक्स की घात कितनी होती, तीन होती, तो वो कौन सा कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। यानी देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, चर, चर यानी वे पद या वे संख्याएं जिनका मान हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं, चर कहलाते हैं। अचर वे पद या संख्याएं जिनका मान हम अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते, अचर कहलाते हैं। चर और अचर दोनों का गुणनफल बीजी व्यंजक कहलाता है। अब बहुपद यानी बहुपद किसे कहेंगे, वे बीजी व्यंजक जिनकी घात धनात्मक हो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद के दो प्रकार होते हैं, पहला पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। अब
हम बात करेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर तीन प्रकार का होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी यानी वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो एक पदी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दो एक्स है, पांच वाई स्क्वायर है, यानी एक ही पद है, कहने का मतलब सिर्फ एक ही पद है। उसके बाद द्विपदी यानी वे बहुपद जिसमें दो पद हो वो द्विपदी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस तीन वाई, यानी इसमें दो पद आ गए। इसी प्रकार त्रिपदी यानी वे बहुपद जिनमें तीन पद आ गए वो त्रिपदी कहलाता है। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस चार, यानी एक दो तीन, कितने पद आ गए? तीन। उसके बाद आता है घात के आधार पर, यानी बहुपद का दूसरा प्रकार है घात के आधार पर। सबसे पहला है रैखिक बहुपद, यानी वे बहुपद जिनमें जिनकी घात अधिकतम एक हो उसे एक घाती बहुपद बोलते हैं, उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे रैखिक बहुपद, यानी जिसकी घात एक हो। द्विघाती इसलिए द्विघाती जिसकी घात कितनी हो? दो। जिसकी घात कितनी हो? दो। और त्रिघाती का मतलब जिसकी घात कितनी हो? उसकी घात तीन हो, वो त्रिपदी बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। यानी हमने कुछ बेसिक बातें देखी अभी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक सूत्र बताता हूं, यानी बीजीय सर्वसमिका लिखना। बीजीय बीजीय सर्वसमिकाएं, यानी आपको मैं कुछ एक सूत्र बता रहा हूं बेटा, मोस्ट सूत्र है, वो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। और वो सूत्र याद होगा तो आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। और बेटा गणित के अंदर तो सूत्र ही होंगे, यदि आपको सूत्र नहीं आते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको वो सूत्र ही देखने होंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज की कुछ बेसिक बातें देखनी होगी, तो एक्सरसाइज एकदम आसान हो जाएगी। तो हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, यदि हम चाहते तो सीधी एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर सकते थे, परंतु वहां पे आपको पता नहीं होता कि बहुपद क्या है, एक पदी क्या है, द्विपदी क्या है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताई, अब आपको मैं इसके कुछ जो हमारे सूत्र काम में आएंगे उन सूत्र के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला हमारा है सूत्र एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर। इसका हमें पता, हमने छठी सातवीं आठवीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है एक्स माइनस की, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। बेटा ये फॉर्मूला बनाना नहीं बता सकता मैं, इनको कैसे बनाएंगे? देखो जब आपको आता नहीं कि इसके बराबर ये होता तो आप बनाओगे कैसे? किया आ जाए कि इसके बराबर, इसको सिद्ध करके बताओ क्या आ जाए कि एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है, सिद्ध कीजिए। ये भी तो आ सकता है। तो देखो ये एलएचएस साइड है, इसको ये बता दे तो एक ही बात है, ये बता देता है। देखो ये दोनों आ जाए, सिद्ध कीजिए, ये तो एलएचएस साइड है, ये आरएचएस साइड है। सबसे पहले लेंगे क्या एलएचएस, याद करना मत कॉपी के अंदर, ठीक है ना, जिसे समझने के लिए। ये एलएचएस साइड क्या है? एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर। यानी बेटा देखो जैसे घात एक्स की घात दो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स गुणा एक्स। दो की घात दो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? दो गुणा दो। पांच की घात तीन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? पांच गुणा पांच गुणा पांच लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार एक्स माइनस वाई की घात कितनी है? दो। हम कितनी बार लिख लेंगे इसे? दो बार लिख लेंगे। अब देखो यहां से हम एक्स उतारें और अगली संख्या पूरी की पूरी उतारेंगे, ये माइनस का वाई, आगे की संख्या पूरी की पूरी ताकि एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई, ये भी माइनस का, वाई को एक्स से करेंगे तो देखो वाई को एक्स से करेंगे तो एक्स वाई माइनस, माइनस वाई को वाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई टू एक्स वाई
4 प्लस का वाई स्क्वायर, यानी ये हमारा फॉर्मूला, ये देखो ये एल एक्स बराबर क्या होगी आर एक्स, यानी हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप आसानी से उसे बना भी सकते हो। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारा है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, और एक बार इसे क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और एक बार क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई। इसके बाद हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। देखो बेटा जब इसे करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया। अब कर दो टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड और प्लस का टू जेड एक्स, समझ गए ना। यानी जब हमारे पास दो हो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर हो तो हम ये कर देते, जब हमारे पास एक और मिल जाए तीन, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि हम इसको सिद्ध करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, इसको भी मैं सिद्ध करके बता सकता हूं, परंतु अब नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्योंकि बेटा इससे आप अकेले को कुछ भी मान लेना, इस अकेले को आप पी मान लेना, तो पी प्लस जेड के होल स्क्वायर को सोल्व करने में एक बार बाकी पी का मान रखोगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। पांचवा, जब हमारे पास एक्स प्लस वाई की क्या हो क्यू, अब तक तो हमने कितना पढ़ा था, स्क्वायर तक ही पढ़ा था ना, यानी अब एक दो और तीन आखिर तक तो आपने तीन ही फॉर्मूले काम में लिए थे। अब बेटा चौथा पांचवा और जितने भी आगे आएंगे सारे के सारे क्या है, मोस्टली एक्स प्लस वाई की क्यूब हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो देखो की बात है, इसे हम एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस तीन एक्स प्लस वाई और कोष्टक एक्स वाई, क्या जगह एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस तीन एक्स वाई और कोष्टक बंद एक्स वाई बाहर आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले को बनाना सिखा रहा हूं, इस फॉर्मूले को कैसे बनाना, यदि ये आ जाए तो कैसे बनाएंगे, आपको ये याद रहे कि हाँ ये कैसे होगा। आपने तो दो फॉर्मूले पहले छोटे वाले पढ़े थे और ये आपको याद ही नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, एक्स प्लस वाई की क्यूब आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई की स्क्वायर और एक्स प्लस वाई भी तो लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि तीन अभी तीन बार लिख सकते हैं, दो बार एक जगह लिख लो एक बार एक जगह लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसका सूत्र तो पता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है, और बाहर कितना है एक्स वाई, यहां से बेटा एक्स स्क्वायर लिख लो और आगे वाली पूरी संख्या लिख लो एक्स प्लस वाई, यहां से प्लस का वाई स्क्वायर लिख लो आगे वाली पूरी संख्या लिख दो एक्स प्लस वाई, यहां से प्लस का टू एक्स वाई लिख लो और आगे वाली पूरी संख्या लिख दो। अब गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स वाई की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो वाई की क्यूब प्लस टू एक्स वाई को एक्स से करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई को वाई से करेंगे तो टू एक्स वाई की स्क्वायर। देखो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब घटती बात नहीं, एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, दो और एक तीन प्लस का तीन एक्स स्क्वायर क्या हो गया वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है,
तो दो ये है, एक ये, तीन ये होगा, तीन वाई स्क्वायर, तीन एक्स वाई स्क्वायर, यानी यही फॉर्मूला यही है। देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब, वाई के क्यूब वाई के क्यूब। देखो तीन एक्स यहां भी है, तीन एक्स वाई यहां भी है, तीन एक्स वाई यहां भी, हम बाहर भी तो ले सकते हैं। देखो एक्स क्यूब यहां है, वाई के क्यूब यहां है, तीन यहां भी है, एक्स यहां भी, वाई यहां भी, तीन यहां भी, एक्स भी यहां भी, वाई यहां भी, तो तीन एक्स वाई यहां क्या करेंगे, बाहर ले लिया, यहां तो क्या बच गया एक्स और यहां क्या बच गया वाई। देखो यही फॉर्मूला है ना, हम बना सकते हैं ना, लेकिन जब ऐसे आ जाए तो हम इनको बना भी सकते हैं, रटने की बजाय हम इसे बना भी सकते हैं और बना के भी इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि आप रटो, और जब ये माइनस में है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई की क्या आ जाए क्यूब आ जाए, तो इसे कैसे करेंगे, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस तीन एक्स वाई कोष्टक एक्स माइनस का वाई। देखो एक्स माइनस वाई की क्यूब और प्लस वाला क्या था, एक्स प्लस वाई की क्यूब, वो हमने क्या किया था, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस तीन एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, और माइनस वाले में सभी ये माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले में सभी ये क्या रहेंगे प्लस रहेंगे। इसके बाद है सातवां, और सातवां फॉर्मूला क्या दिया गया है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस तीन एक्स वाई दिया गया हो, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड दिया गया हो, तीन एक्स वाई जेड दिया गया हो, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, यानी जब हमारे पास ये दिया गया तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन में कोई आ जाए और सर्वसमिक आ जाए तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक पर ये सूत्र बेटा ये याद करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये याद करना ही पड़ेगा, यानी एक दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे। एक आठवां, जब हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी, ये तो एट क्लास में भी था ना, यानी क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस का ए बी, ये था ना हमारे पास एट क्लास में भी था ये फॉर्मूला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार आ गया ए प्लस बी और प्लस का ए बी, यानी बेटा ये सर्वसमिकाए आपको याद करने होंगे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, सबसे पहले आप इन सर्वसमिकाओं को अच्छे से याद करना और जो बेसिक बातें बताई थी उनको भी याद करना, कल हम स्टार्ट करेंगे 2.1।